वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने सीजीएल 2017 का जो रिज़ल्ट है वो आउट कर दिया है और उसमें टोटल 35,990 कैंडिडेट जो थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और स्किल टेस्ट के लिए। तो उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और रिज़ल्ट फिर डिक्लेयर हो गया है 15 नवंबर को। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट आया है उसका कट ऑफ क्या था। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के यहाँ पे कट ऑफ बताए गए हैं आपको, बहुत सारे रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए यहाँ पे जो देख सकते हैं आप अनरिजर्व का जो कट ऑफ है टायर 1 टायर 2, तो टायर 2 में भी जो आपके पेपर्स अलग अलग होते हैं जो कि है 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 वाले जो पेपर्स जिन कैंडिडेट्स ने दिए थे और साथ ही टायर 3 यानी कि टायर 1 टायर 2 और टायर 3 को मिला करके जो यूआर का जो यहाँ पे कट ऑफ है वो है 642.50 और ओबीसी का है 607, एससी का 571 और एसटी कैंडिडेट्स का है 547.25। अब हम लोग आगे बात करेंगे जेएसओ के बारे में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में जो कि ग्रेड 2 के लिए होती है। उसमें टायर 1 टायर 2 और टायर 3, तो इन तीनों टायर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर 2 के लिए यहाँ पे पेपर कौन कौन से हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2 और 3 पेपर के लिए है। तो इन सभी पेपर्स में जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो है 515। ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ जो गया है वो 5 नंबर कम है उनसे जो कि है 510। एससी की जो कट ऑफ गई है वो है 450 और एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 425। अब आगे देखते हैं हम लोग सीपीटी के लिए। सीपीटी हम आप देख सकते हैं सीपीटी में टायर 1 टायर 2 और टायर 2 के बस यहाँ पे 2 पेपर्स 1 और 2 और टायर 3, तो इन तीनों टायर्स में जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो है 496.50। जो ओबीसी का है वो है 494.75, एससी का 441.75 और लास्ट एसटी का जो गया है वो है 418.50। अब अगर हम लोग देखते हैं डीईएसटी के लिए तो उसके लिए क्या कट ऑफ गया है, टायर 1 टायर 2 और इसमें भी पेपर जो आपके हैं वो टायर 2 में पेपर 1 और 2 ही है और टायर 3 यानी कि इन तीनों टायर्स को मिला करके जो आपका यू आर अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो है 488.25, ओबीसी का 451.25, एससी का 380.75 और लास्ट एसटी का जो है वो आपका 380। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी एसटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं है, 0.75 के बस डिफरेंस है यहाँ पे। तो कट ऑफ इस तरीके से यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2017 का गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप हुए हैं, टॉप 10 में जिनका नाम आया हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप AAO के लिए जिन्होंने टॉप किया है उसमें सबसे पहले जो है उनका नाम है अक्षय संखलेचा, उसके बाद उसी पोस्ट के लिए जो टॉप किया उनका नाम है अंकुर बत्रा और थर्ड जो है वो है शुभम जैन। आगे और भी लिस्ट हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। और जो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे उनका नाम है राहुल मोहानी, अक्षय तपारिया, भृगुराज सिंह, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स और भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो सातवें नंबर पे वो है आयुष नोहवार, अभिषेक बरनवाल, प्रशांत यादव 9वें पोजिशन पर और 10वें पोजिशन पर हैं अभय कुमार राय। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि AAO के साथ JSO और साथ में AAO और JSO इन दोनों पोस्ट के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, उन्होंने टॉप किया है, तो उनके सारे भी नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप सारे नामों में अपना नाम ढूंढ सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप लोगों में से कोई अगर यहाँ पे इस लिस्ट में है तो। और जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और जिनका रिज़ल्ट निकल चुका है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर से एक नए जज्बे के साथ तैयारी करें और फिर से आकर के अपना ये टॉप 10 में नाम ज़रूर लाएं। हमें बहुत खुशी होगी आपके बारे में बताते हुए। और अगर किन्हीं भी कैंडिडेट्स को अपनी सक्सेस स्टोरी अगर बतानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उनकी सक्सेस स्टोरी को अपने चैनल पर दिखाना चाहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उन्हें भी सब चीज़ अपडेट होती रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।